हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपूर्ण। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? सभी बच्चों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम। और इसी के साथ साथ जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स को दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए, रंगोली के साथ मनाइए, अच्छे से परिवार में खुशियां और प्रेम रहें आप सभी के। ये मैं उपासना सरीन आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो आज शुरू करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आने वाला है। मैंने आप लोगों के एमसीक्यू सेशन लिया था। एमसीक्यू सेशन के साथ साथ पहले मैं अब आपको गवर्नर का सेक्शन करा देती हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों का ये वाला जो सेक्शन है, गवर्नर का जो सेक्शन है, ये सेक्शन अच्छे से हो जाए। और फिर उसके बाद हम लोग सीएम का सेक्शन करेंगे, और सीएम का सेक्शन करने के बाद फिर दोबारा से हम लोग एमसीक्यूज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जो बच्चा हम लोगों के साथ पहली बार कनेक्ट हुआ है, उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा प्रियर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि गाइस, दिवाली ये सारे फेस्टिवल्स वगैरह ओवर हो जाए तो सबसे पहली चीज़, एक तो मैं आप लोगों का ऑप्शनल का सेमिनार लेने वाली हूँ। ठीक है, ऑप्शनल का ओपन सेमिनार लेने वाली हूँ। ऑप्शनल के सेमिनार में, जिसमें मैं आपको अपना सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा रहा है, तो मैं आपको अपने ऑप्शनल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगी। ठीक है, जिससे आप लोगों के पास एटलीस्ट ये चॉइस हो कि इधर यू वांट टू चूज़ दिस ऑप्शनल और नॉट, कि आप ये ऑप्शनल लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। डेट इज़ सोल्ली डिपेंड अपॉन योर च्वाइस। ओके, ठीक है, तो एक आपका ये वाला सेक्शन हम लोग सेमिनार लेंगे। दूसरा, आप लोगों का बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मेल वगैरह आई कि डीएनए की क्लास कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बच्चा आपकी डीएनए की क्लास जो है, ये डीएनए की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जल्दी ही, दिवाली ये सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास से आपकी डीएनए की क्लास स्टार्ट होगी बच्चा। और डीएनए की क्लास सुबह 7 बजे नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तो सर्दी का समय और दूसरा दूर भी है मेरा घर, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम अर्ली इन द स्टूडियो, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैंने जो टाइम है, टाइम स्लॉट को चेंज करके 11 बजे के टाइम को रख दिया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी टेंटेटिव डेट है भाई, 10 तारीख है, पर हो सकता है ये बदल भी जाए, ये भी हो सकता है। ये आप लोगों के कहने पे ही मतलब ये जो डीएनए की क्लास है रीस्टार्ट की जा रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि गाइस, अगर आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, तो गाइस आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं upasana.examper@gmail.com upasana.examper@gmail.com। ठीक है बच्चा, तो इस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, यू कैन आस्क टू मी। ओके, फाइन, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन सेशन, ज़बरदस्त सेशन, दैट इज़ गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर के सेशन को हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे सीएम के सेशन को करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से एमसीक्यूज का सेशन होगा। ठीक है, तो गवर्नर, राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चा, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया गया आपको। प्रेसिडेंट में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत का राष्ट्रपति भारत का सबसे पहला नागरिक होता है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है, भारत का प्रधानमंत्री भारत का तीसरा नागरिक होता है, और भारत का राज्य, मतलब जो राज्य का राज्यपाल है, वो भारत का चौथा नागरिक होता है। तो राज्यपाल क्या है? फोर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस।
इसके बाद बात की जाए, एक तो सबसे पहली चीज क्या है, ये भारत का चौथा फोर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का चौथा नागरिक है, ठीक है, भारत का चौथा नागरिक है। पहला नागरिक पता चल गया आपको, भारत का राष्ट्रपति, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा राज्य का राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, मतलब वो राष्ट्रपति जो पहले एज अ प्रेसिडेंट का काम करते थे, टर्म पीरियड खत्म हुआ, रेजिग्नेशन दिया, तो उनको भारत का पांचवा नागरिक माना जाता है। छठे नागरिक की बात की जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, सॉरी, छठे की बात की जाए तो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, सॉरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों की सिक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है। सेवन्थ में आते हैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेवन ए में आते हैं भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो बच्चा सुन सकता है, साथ साथ लिख सकता है। गवर्नर, हम कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 162 तक, आर्टिकल 153 to 162, फिर उसके बाद 163, 164, यही आ जाता है क्या, सीएम का भी कनेक्ट हो जाता है, गवर्नर का भी कनेक्ट हो जाता है, पर ये सीएम के अंदर लिया जाता है, सेम वैसे ही जैसे आर्टिकल 74-75 हमने पढ़ा था, ठीक है बच्चा। राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है, ये राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्य का अध्यक्ष होता है। राज्य के अध्यक्ष का मतलब क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों की अध्यक्षता करना, मतलब जितने भी भारत में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, सबकी जिम्मेदारी किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। परंतु क्या राष्ट्रपति सारे कार्य खुद कर सकता है, ऑब्वियसली नहीं, तो राष्ट्रपति को जिम्मेदारी किसको देता है, राज्यपाल को देता है, गवर्नर को जिम्मेदारी देता है। हाँ, गवर्नर को जिम्मेदारी देने का मतलब क्या है, गवर्नर को जिम्मेदारी देने का मतलब है कि आप राज्य का प्रशासन को संभालो और राज्य की रिपोर्ट देना आपकी जिम्मेदारी है, कि राज्यपाल राज्य की रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। समझ में आ रही है बात, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए राज्यपाल रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राज्यपाल की रिपोर्ट पे ही अगर स्टेट में गड़बड़ी है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पे ही राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम एक एक करके आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल 153 कहता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, भारत में जितने राज्य हैं उनका गवर्नर होगा, मतलब स्टेट के ऊपर नॉमिनल हेड कौन होगा, गवर्नर होगा। और अगर बात की जाएगी यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होता है, यूनियन टेरिटरी में कौन होता है, यूनियन टेरिटरी में होता है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अगर मान लीजिए विद लेजिस्लेचर है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम, ये कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है, पहले दो में था अब तीन में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी आर्टिकल 370 हट चुका है, और बाकी अन्य जितने भी हैं वहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रशासक कहते हैं, मतलब यहाँ पर सीएम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में
सीएम नहीं है, चंडीगढ़ में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, दमन दीयू में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, दादरा नगर हवेली में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वही जम्मू कश्मीर में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है क्योंकि यूटी है, लद्दाख में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है क्योंकि वो विदाउट लेजिस्लेटिव है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चा। तो आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, और ऐसा भी कहा गया है कि एक राज्यपाल, एक गवर्नर दो या दो से अधिक स्टेट को भी एडमिनिस्टर कर सकता है, दो या दो से अधिक स्टेट के लिए भी राज्यपाल प्रशासन कर सकता है, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा प्रेसिडेंट की अनुमति के साथ ही होगा। तो राज्यपाल, राज्यपाल एक से अधिक राज्यों, एक से अधिक राज्यों का प्रशासन कर सकता है, एक से अधिक राज्य का प्रशासन कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल एक से अधिक राज्य का प्रशासन कर सकता है, कैन एडमिनिस्टर मोर देन वन स्टेट, ठीक है, परंतु इसके लिए, परंतु राष्ट्रपति की मंजूरी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति से ही, परंतु राष्ट्रपति की अनुमति से ही। और यहाँ पे एक चीज और है, ये भी सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन है बच्चा, यहाँ पर एक चीज और बोली गई है, वो ये बोली गई है कि जैसे मान लीजिए यूपी का गवर्नर है, तो जो भी यूपी का गवर्नर होगा वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि यूपी के स्टेट का ही हो, अगर यूपी का कोई गवर्नर बन रहा है तो वो असम का हो सकता है, वो किसी और राज्य का हो सकता है, पर यूपी का नहीं होना चाहिए, मतलब स्थानीय नहीं होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों लोकल नहीं होना चाहिए, इसका रीज़न है, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर लोकल हुआ तो लोकल पॉलिटिक्स करेगा, और जब लोकल पॉलिटिक्स करेगा तो अल्टीमेटली फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स करके जैसा स्टेट में चाहता है वैसे ही वो रिपोर्ट बनाएगा, आगे देगा, और वैसे ही राष्ट्रपति के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और वैसे ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये चीज़ तो दूर दूर तक कहीं से कहीं भी सही नहीं है, मानते हो कि नहीं, येस और नॉट, हाँ बच्चा। तो सरकारिया, ये क्वेश्चन आया था आईएएस के पेपर में 2019 में, ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सरकारिया कमीशन के अनुसार, सरकारिया कमीशन के अनुसार एक राज्यपाल, एक राज्यपाल जिस राज्य का, जिस राज्य का राज्यपाल है, एक राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य, वह उस राज्य से, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए क्योंकि स्थानीय राजनीति हो सकती है, क्योंकि स्थानीय राजनीति हो सकती है, क्योंकि स्थानीय राजनीति हो सकती है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, येस और नॉट, ठीक है, डन। तो सरकारिया कमीशन में, सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है बच्चा, सरकारिया कमीशन कहती है कि एक राज्यपाल जिस भी राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, अगर यूपी का राज्यपाल है तो वह
यूपी का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोकल पॉलिटिक्स होगी, स्थानीय राजनीति होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको अब तक बताया, आर्टिकल 153 से 162 गवर्नर का है, ठीक है। आर्टिकल 153 में बता रही हूँ कि राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। उसी के अंदर मैंने आपको ये बात बताई कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का प्रशासन कर सकता है। उसी के अंदर आपको नेक्स्ट बात बताई कि वह जिस राज्य का राज्यपाल होता है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, लोकल पॉलिटिक्स होती है। और इसके साथ साथ राज्यपाल राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता का मतलब क्या है? नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र के अध्यक्ष का मतलब क्या है? जिसके नाम पर सारे काम किए जाएं। मतलब क्या? जिसके नाम पर हस्ताक्षर हो, जितना भी राज्य में कोई भी काम हो रहा है उसके ऊपर बच्चा हस्ताक्षर किसके होने चाहिए? राज्यपाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो इसे कहते हैं नाम मात्र का अध्यक्ष, ठीक है, आर्टिकल 153। ठीक है, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष होता है। इज इट क्लियर? ही इज अ नॉमिनल मेंबर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ द स्टेट। राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष होता है या राज्य सरकार का अध्यक्षता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया आपका आर्टिकल 153, ठीक है, 153 ही कर रहे थे हम लोग। आगे बात करते हैं आर्टिकल 154। अब आर्टिकल 154 क्या कहता है? जिस तरीके से बच्चा हमने प्रधानमंत्री में पढ़ा था ना, राष्ट्रपति में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 52 देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्य का, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, याद है आपको आर्टिकल 53। वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल 154 है, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, गवर्नर इज द हेड ऑफ, गवर्नर इज द हेड ऑफ, इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर कि मतलब जो गवर्नर होता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि जितना भी राज्य के अंदर एग्जीक्यूटिव नियुक्त होंगे, मेरे प्यारे बच्चों, अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? इस एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? इस एग्जीक्यूटिव का मतलब है जैसे CM हो गया, या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, या फिर इसके अलावा आपका ये कह सकते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया। तो जो भी राज्य के लिए नीतियां बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर अध्यक्ष होता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, आर्टिकल 154। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल 153 आपको अच्छे से क्लियर हो गई, आर्टिकल 154 आपको अच्छे से क्लियर हो गई, येस और नॉट? ठीक है, और दिवाली में आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठीक है, सेफ वेव दिवाली। और प्लीज़ इस सेशन को अच्छे से शेयर वेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 154। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति।
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। अब इसका मतलब क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति का मतलब क्या है? भाई देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है, जो राज्य का राज्यपाल होता है, वो उसका कर्ता धर्ता हर्ता भारत का राष्ट्रपति है। मतलब नियुक्त करेगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दो या दो से अधिक राज्यों का अध्यक्ष बनना है, राष्ट्रपति। ठीक है, और इसके अलावा राज्यपाल की जिम्मेदारी है राज्य की रिपोर्ट देना, राष्ट्रपति। तो एक तरह से राज्यपाल जो गवर्नर है वो कैसा काम कर रहा है? मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर का मतलब क्या भाई? यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट, ये है राज्य सरकार, ठीक है ना, और ये है राष्ट्रपति, और इनके बीच का काम कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति गवर्नर को कहता, नियुक्त करता है, तुम ये राज्य देखो, तुम ये राज्य देखो, और फिर गवर्नर स्टेट का पूरा जो भी ब्यौरा है वो चीफ मिनिस्टर से लेता है, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और अगर स्टेट सही से नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति सीधा स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो एक तरह से जो गवर्नर है, गवर्नर का कर्ता धर्ता हर्ता कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ। गवर्नर ने एक तरह से एजेंट का काम किया, एक मीडिएटर की तरह काम किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 155 में लिख सकते हैं आप लोग, राज्यपाल राष्ट्रपति के अंतर्गत, राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है, राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गवर्नर वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यपाल राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके बच्चा, अच्छा, इसी के अंतर्गत ही गवर्नर एक्टेड एज सेंट्रल एजेंट, गवर्नर एक्टेड एज सेंट्रल एजेंट, यह केंद्र के एजेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है, तो गवर्नर एक्टेड एज सेंट्रल एजेंट, ठीक है, और गवर्नर की ही जिम्मेदारी है अपनी रिपोर्ट को आगे देना। ओके, ठीक है, गवर्नर, अब देखो ये गवर्नर है, ऐसे आप लिख सकते हो, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। गवर्नर को हटाता कौन है, रिमूव कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, गवर्नर का दो या दो से अधिक राज्य में प्रशासन करना है तो कौन देखता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना, गवर्नर रिपोर्ट किसको सबमिट कराता है? रिपोर्ट किसको सबमिट कराता है? गवर्नर रिपोर्ट सबमिट कराता है राष्ट्रपति। ठीक है, गवर्नर की रिपोर्ट पे ही राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो गवर्नर की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। दो या दो से अधिक का प्रशासन, राष्ट्रपति। रिपोर्ट सबमिट, राष्ट्रपति, और रिपोर्ट पर राष्ट्रपति, रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगाता है। और गवर्नर किसका सेंट्रल एजेंट है? गवर्नर सूचना किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, सेंट्रल एजेंट किसका है?
एजेंट किसका है? ये एजेंट है केंद्र सरकार का, केंद्र केंद्र सरकार का। ठीक है बच्चा, ये चीज आपको समझ में आ गई है? डन। ठीक है, तो आर्टिकल 155 आपको समझ में आ गया। हाँ, तो आर्टिकल 156, अब आते हैं आर्टिकल 156 पे। अब 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 कहता है टर्म ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, आर्टिकल 156 कहता है टर्म ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल। तो टर्म ऑफ गवर्नर कितना है, कितना टर्म पीरियड है? 5 ईयर्स। मेरे प्यारे बच्चों, कोई लॉजिक बता सकता है क्यों? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? यस, क्यों राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल है? क्यों? द रीजन इज, राज्यपाल राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है, और मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का टर्म पीरियड कितना होता है? 5 साल। अब एक और ट्रिक बताऊं आपको, राष्ट्रपति शपथ किसके आगे लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मानते हो कि नहीं? हाँ, CJI। आर्टिकल कौन सा है? 60। अब जैसा राष्ट्रपति केंद्र का, वैसा राज्यपाल स्टेट का। गवर्नर शपथ किसके आगे लेगा? प्रेसिडेंट लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल किसके आगे शपथ लेगा? किसके आगे लेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो गवर्नर शपथ लेता है किसके आगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के आगे। ठीक है, आर्टिकल 159, खैर ये मैं जब 159 आएगा तो बताऊंगी, ये तो ऐसे ही 156 के साथ ट्रिक बता दिया आपको। आर्टिकल 156 आपको समझ में आ गया, टर्म पीरियड कितना? 5 ईयर। कब से माना जाएगा? When enter in office मतलब जब वो अपने ऑफिस में आ जाएगा, अपने ऑफिस में एंटर कर लेगा। समझ रहे हो बच्चा? ठीक है, एंटर इन ऑफिस, टर्म ऑफ गवर्नर, एंटर इन ऑफिस। आगे बात करते हैं आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 क्या कहता है? ये कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता। हाँ जी प्यारे बच्चों, हाँ जी, तो आर्टिकल 157 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर की योग्यता क्या होगी? ठीक है, तो राज्यपाल की योग्यता क्या है? सबसे पहला, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एग्री और नॉट? ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक का मतलब क्या है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो माना जाएगा। और अगर प्रकृतिकरण व रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता है तो नहीं राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बच्चा, इसका मिनिमम एज कितना होगा? 35 साल होना चाहिए। यस और नॉट? 35 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए। तीसरा क्या? नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा, लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
अब इसका मतलब भी क्या, लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा, मतलब एक साथ दो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम नहीं करेगा, एक साथ दो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम नहीं करेगा, जो भी करेगा राष्ट्रपति की सहमति से करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बात? ठीक है, तो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और चौथा क्या है कि वह ना तो संसद का मेंबर होगा और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर होगा, मतलब पार्लियामेंट का भी मेंबर नहीं होगा और ना ही राज्य विधायिका का सदस्य होगा। ठीक है बच्चा, तो कौन बनेगा, कौन बनेगा राज्यपाल? जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स होते हैं वो लोग बनते हैं राज्यपाल, और जो यूनियन टेरिटरी में, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर हो, और यूनियन टेरिटरी में क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, वो व्यक्ति बनता है क्या यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे दिल्ली में नाजिब जंग, तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीसी थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, तो यूटी का एलजी बनना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, अगर गवर्नर बनना है स्टेट यूनिवर्सिटी का, समझ गए? ठीक है, तो राज्य वह अभ्यर्थी ना तो संसद का सदस्य होगा और ना ही राज्य विधायिका का सदस्य, ना ही संसद का सदस्य होगा और ना ही राज्य की विधायिका का सदस्य होगा, मतलब जो राज्यपाल है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की एज कम से कम, लाभ के पद पर काम नहीं करेगा, ना ही संसद का मेंबर और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 157। आर्टिकल 158 कहता है, आर्टिकल 158 कहता है कंडीशन फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, कंडीशन फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर, हिंदी में इसे कहते हैं राज्यपाल के ऑफिस की शर्तें। अब राज्यपाल के ऑफिस की शर्तें क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? राज्यपाल के ऑफिस की शर्तें क्या हैं? हाँ भाई, एक तो जैसे मैंने याद है राष्ट्रपति में बताया था, क्या बताया था, राष्ट्रपति भवन होना चाहिए, हाँ, सिविल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होना चाहिए, जो भी सैलरी होगी संसद डिसाइड करती है, और इसी के साथ साथ राज्यपाल के केस में क्या है, अगर दो या दो से अधिक राज्य का बन रहा है तो किस राज्य से सैलरी आएगी, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा आता है, राज्य कोष से पैसा आता है, तो किस राज्य का कितना प्रोपोर्शन होगा वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के आधार पे है। समझ रहे हो कि नहीं? डन। तो राष्ट्रपति के ऑफिस की शर्तें क्या हैं? सबसे पहला, राष्ट्रपति का सॉरी राज्यपाल का निवास राजभवन होगा। राज्यपाल का निवास स्थान रेसिडेंस हाउस कहाँ? राजभवन होगा। ठीक है बच्चा, राजभवन होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति भवन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? हाँ जी, एक तो निवास स्थान राजभवन होगा, दूसरा क्या, जो राज्यपाल है, राज्यपाल का वेतन में कटौती नहीं होगी, कटौती नहीं होगी उसके कार्यकाल के दौरान, उसके
कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं होगी उसके कार्यकाल के दौरान। अच्छा, दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो किस राज्य से कितना रेशो की सैलरी निकलेगी वो भी डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, यदि राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल है, यदि राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो कहाँ, डेट इज वेतन किस राज्य से कितना प्रतिशत जाएगा, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। समझ रहे हैं बच्चा आप लोग? देख लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, ठीक है। और इसी के साथ साथ गवर्नर को अपने जैसे जब वो ऑफिस के टर्म पीरियड पर है तो गवर्नर को उसके कार्यकाल के दौरान आप जेल में बंद नहीं कर सकते हो, मतलब आप सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हो, ये है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको याद होगा जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी तो भी मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को, आर्टिकल 14 कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जब तक ये कार्य कर रहे हैं अपने पद पर, तो अपने पद पर कार्य के दौरान ये कभी भी मतलब रेजिग्नेशन, मतलब इनको कभी भी आप जेल में बंद नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, गवर्नर प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनली सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी। ठीक है, ओके। तो राज्यपाल को सिविल व क्रिमिनल संरक्षण प्राप्त है, इसका मतलब होता है वन कैन नॉट अरेस्ट गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म पीरियड। और गवर्नर के लिए कोई भी इम्पीचमेंट नहीं होता है, देर इज नो इम्पीचमेंट फॉर द गवर्नर, ये लाइन भी लिख लेना। राज्यपाल के लिए महाभियोग नहीं होता है, ठीक है, राज्यपाल के लिए महाभियोग नहीं होता है। ठीक है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है,
ठीक है, क्योंकि प्रेस गवर्नर वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इज इट क्लियर, येस और नॉट? ठीक है, तो राज्यपाल के लिए देर इज नो, देयर इज नो इम्पीचमेंट, देयर इज नो इम्पीचमेंट फॉर गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो इम्पीचमेंट फॉर गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही कैन बी रिमूव बाय, बट ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, बट ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। इतनी बात आपको समझ में आई? आर्टिकल 158, एनी डाउट इन दिस आर्टिकल? यहाँ पे देख लीजिए, 158 के बाद आर्टिकल 159, ठीक है ना, गवर्नर के आर्टिकल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको अगले सेशन में क्या लूँगी, गवर्नर के पावर्स, गवर्नर की पावर्स आपको करा दूँगी। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, सीएम, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आपका एमसीक्यू सेशन। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो आर्टिकल 159 कहता है ओथ ऑफ गवर्नर, ओथ ऑफ गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। बच्चा एक सिंपल सी बात है, कोई भी ऑफिशियल अगर अपने पद पर नियुक्त हुआ है तो सबसे पहले तो शपथ लेगा, फिर अपने कार्यभार को संभालने का हस्ताक्षर करेगा, और जब वो हस्ताक्षर करेगा तब जाके कहा जाएगा क्या कि भाई इसका ऑफिस में एंटर हो गया, अब इससे 5 साल ये काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, गवर्नर, गवर्नर शपथ लेता है, और शपथ आपको पता ही है, हाँ, शपथ, शपथ कौन सी लेगा, एग्जीक्यूटिव ओथ लेगा, याद है आप लोगों को, प्राइम मिनिस्टर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ यही गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की भी शपथ लेते हैं, परंतु राज्यपाल शपथ लेगा किसके आगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दिस वन इज सुपर इम्पोर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 159, ठीक है, और ये शपथ क्या होगी, कार्यपालिका शपथ होती है एग्जीक्यूटिव ओथ होगी, ठीक है, और ये शपथ कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आई, जो भी मेरा नाम है ABCD, टेकिंग ओथ इन द नेम ऑफ गॉड, अगर मैं शपथ ले रही हूँ भगवान को साक्षी मान के, मैं ये वचन लेती हूँ, शपथ लेती हूँ, और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये भगवान में आस्था नहीं रखती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अफर्मेशन, आई जो भी मेरा नाम, टेकिंग अफर्मेशन इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के नाम पे ये अफर्म करती हूँ, संविधान को साक्षी मान के, कि मैं राज्यपाल के पद पर जितने भी कार्य हैं सबको पूरा करूँगी या सबको पूरा करूँगा। समझ रहे हैं? तो नोट में आप लोग लिख सकते हैं, नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि सीक्रेसी ओथ कौन लेता है, सीक्रेसी ओथ लेता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बस यही लेते हैं जो कि एक्चुअल में सरकार कहलाते हैं, इनकी शपथ होती है सीक्रेसी ओथ और एग्जीक्यूटिव ओथ,
इनकी दो शपथ होती है, ठीक है, और बाकी प्रेसिडेंट और गवर्नर की एक शपथ होती है, एग्जीक्यूटिव ओथ होती है। इतना आपको क्लियर हुआ? यस और नॉट? ठीक है, तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोगों ने अभी इस क्लास में गवर्नर के एक सेक्शन को ख़त्म कर लिया है। जो हमारी दूसरी क्लास होगी उसमें हम लोग आगे के सेक्शन को कवर करेंगे, गवर्नर की पावर्स। मतलब आज 3 अक्टूबर को हम लोगों ने गवर्नर का एक सेक्शन ख़त्म कर लिया, 4 अक्टूबर को हम लोग गवर्नर की पावर्स को देखेंगे, 5 अक्टूबर को हम लोग चीफ मिनिस्टर देखेंगे, और जैसे ही ये हमारा पूरा हो जाएगा सेक्शन, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, MCQs, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं आपका प्रेसिडेंट, गवर्नर, CM, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे शब्द आपको, ये सारी चीज़ें आपको MCQs में कराऊंगी, फिर मैं सीधा संसद पे आ जाऊंगी। तो आज के लिए बालको इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।